छाया पर एक बड़े ट्रक के अचानक अनियंत्रित होने के बाद टोल पर 2 घंटे जाम लगा। पुलिस ने जैसे तैसे बड़े एक्सल वाले ट्रक को साइडलाइन कराया। मथुरा के फरेह में बुधवार को टोल प्लाजा महुवन पर यू टर्न लेते समय भारी भरकम मल्टी एक्सल ट्रक फंस गया, जिसके कारण करीब 2 घंटे तक हाईवे जाम हो गया। दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ड्राइवर नितेश यादव ने बताया कि गुजरात से बिहार वीरोन के लिए एक मल्टी एक्सल ट्रक करीब 140 फुट लंबी रिफाइनरी बॉयलर मशीन लेकर जा रहा था। बुधवार को टोल प्लाजा महुवन पर आगरा की तरफ यू टर्न लेते समय हुक टूट जाने से ट्रक आड़ा दोनों रोड पर फंस गया, फिलहाल जिसके कारण दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वहीं पुष्पेंद्र सिंह पुलिसकर्मी ने एक एम्बुलेंस में डेड बॉडी लेकर जा रही थी, लेकिन पुलिसकर्मी ने तत्काल एम्बुलेंस को रॉन्ग साइड से निकाला। हालांकि तुरंत टोल कर्मियों, थाना प्रभारी कमलेश ताराचंद, दीपक सिंह, मय फोर्स के मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक को आगे बढ़ाकर साइड से लगाया, तब जाकर हाईवे पर दोनों तरफ का आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सका। सतीश तरकर, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र सिंह। ये गाड़ी जो लेके आ रहे हो मशीन, ये कहाँ से आ रही है और कहाँ के लिए लेके जा रहे हो आप? ये गुजरात से आ रही है, बिहार बरौनी आएगी। बरौनी, बिहार बरौनी। ये किसकी मशीन है? ये रिफाइनरी की है। रिफाइनरी की। इसका नाम क्या है? बॉयलर बोलते, बॉयलर। बॉयलर। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी? 140 फीट। 140 फीट। तो ये जाम लगा, ये जैसे आपने टर्न किया, ये किस वजह से ऐसे रुकी गाड़ी? वो तो क्या है कि लोग भीतर है, लंबा माल है, तो सुरक्षा के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है, आगे पीछे पूरा देख के चलना पड़ता है, और उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है घुमाने घुमाने में लंबाई की वजह से, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है।